हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे आज के लेक्चर में, दैट इज स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो हुआ था, दैट वाज इन कंटिन्यूएशन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का पार्टीशन जो हुआ था उसके कंटिन्यूएशन में ये है। तो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। तो 7 अगस्त 1905 को एक पब्लिक मीटिंग हुआ था कलकत्ता टाउन हॉल में, जहां पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों मौजूद थे और एक साथ यूनानिमसली दो रेजोल्यूशन पास करते हैं ये लोग। पहला कि हम लोग स्वदेशी, दैट इज हम लोग स्वदेशी गुड्स यूज करेंगे, और दूसरा बॉयकॉट, दैट इज हम लोग फॉरेन गुड्स यानी ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। सो मॉडरेट्स यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर देते हैं कि ये जो मूवमेंट और रेजोल्यूशन है स्वदेशी एंड बॉयकॉट का, ये सिर्फ बंगाल में ही कन्फाइंड रहेगा, क्योंकि जो पार्टीशन है वो इशू सिर्फ बंगाल का है, और जो बॉयकॉट का प्रोग्राम है वो सिर्फ कॉन्फाइन हो जाएगा ब्रिटिश गुड्स के लिए ही, कोई और दूसरा चीज को बॉयकॉट नहीं किया जाएगा अदर देन ब्रिटिश गुड्स। हाउएवर यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट का कुछ और ही एजेंडा था कि वो चाहते थे ये मूवमेंट को अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री तक पहुंचाना और एक फुल फ्लेज मास स्ट्रगल करना चाहते थे, ताकि उनका स्वराज का जो गोल है सेल्फ गवर्नमेंट का वो अचीव कर पाए। सो व्हाई वाज एक्सट्रीमिस्ट हैविंग सच ए प्रोग्राम? स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो है ये एक ह्यूज लॉस होता है ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्वदेशी यूज कर रहे होते हैं और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर रहे होते, तो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट जो बिजनेसमैन है उनको बहुत ज्यादा लॉस होता, जिसके कारण ये बिजनेसमैन बाद में क्या करते, प्रेशर डालते गवर्नमेंट पे कि बंगाल का पार्टीशन को खत्म किया जाए। ऑल्सो ये जो स्वदेशी कैंपेन है ये एक बूस्ट देता है इंडियन इंडस्ट्रीज को, और बाद में ये जो इंडियन इंडस्ट्रीज के मालिक है ये लोग भी इंडियन कैपिटलिस्ट साथ देते तुम्हारा कांग्रेस का, और कांग्रेस को जो है कुछ पैसा फंड में देते और फंड करते लिबरली, जिसके कारण कांग्रेस जो है इस पैसे को यूज करके शहर से लेकर गांव तक अपना कनेक्शन बना सकता था मासेस से, इसलिए ये लोग स्वदेशी बॉयकॉट चाह रहे थे। अब आ जाता है दिन जिस दिन पार्टीशन होता है बंगाल का, अक्टूबर 1905, द डे ऑफ पार्टीशन वाज ऑब्जर्व। तो इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है शोक दिवस के दिन, एज ए मॉर्निंग, मॉर्निंग अलग शोक होता है। तो थ्रू आउट द बंगाल क्या था, शोक बनाया गया था, पीपल लोग फास्ट किए थे, बहुत लोग गंगा में नहाए, डुबकी लगाए थे उस दिन, और बहुत लोग जो है वॉक्ड बेयर फुट इन प्रोसेशन, जुलूस में खाली पैर चले थे, सिंगिंग वंदे मातरम, जो कि बाद में हमें दिखता है कि वो एक नेशनल क्राय बन जाता है। अमार सुमार बंगला ये लिखा गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और ये जो है प्रेजेंट डे बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। तो इसे भी जो है क्राउड्स उस समय लोग जो प्रोसेशन निकाल रहे थे रास्ते में गा रहे थे स्ट्रीट्स पे। पीपल जो लोग है वो लोग राखीज, इट्स नॉट राखीज, दिस इज राखीज, तो पीपल क्या कर रहे थे, एक दूसरे को राखी बांधा कर रहे थे एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी। बाद में 50,000 रुपया तक रेज किया जाता है इस मूवमेंट को बूस्ट देने के लिए, और देखा जाता है कि सून द मूवमेंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री तक भी ये मूवमेंट जो है ये स्प्रेड हो जाता है, जैसे कि पुणे एंड बॉम्बे में स्प्रेड होता है अंडर बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में अंडर लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह, अजीत सिंह जो थे वो भगत सिंह के चाचा थे, दिल्ली अंडर सैयद हैदर राजा, और मद्रास अंडर चिदम्बरम पिल्लई। इन लोग के अंदर में क्या होता है, पूरे इंडिया में लगभग लगभग फैल जाता है तुम्हारा स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। अब ये जो स्प्रेड ऑफ मूवमेंट था दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, इससे क्या होता है मॉडरेट्स गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो पहले भी बोले थे कि ये नहीं फैलना चाहिए दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में एक्सट्रीमिस्ट को, जिसके कारण क्या होता है जो गैप होता है तुम्हारा मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में दरार पड़ जाता है, और ये दरार और ये जो गैप दोनों के बीच में पड़ गया था ये सबको दिख रहा था कि हाँ दरार पड़ गया, लोगों को दिख रहा था, कॉमन ब्रिटिश को दिख रहा था, लेकिन सिर्फ यही दोनों को नहीं पता चल रहा था कि इन दोनों के बीच में दरार आ गया है, और इस दरार का फायदा उठाते हैं ब्रिटिशर्स। दिसंबर 1905 में कांग्रेस सेशन ऑफ बनारस होता है। इस सेशन में कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट होता है वो गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। इस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट डिमांड करते हैं रेजोल्यूशंस ऑन द फॉलोइंग थीम्स, कुछ थीम्स लाते हैं, बोलते हैं ये सब रेजोल्यूशंस पास किया जाए, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी गुड्स, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स,
प्रोमोटिंग नेशनल एजुकेशन एंड टू एस्टैब्लिश नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। कांग्रेस का स्ट्रगल का जो एजेंडा होना चाहिए वो स्वराज होना चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, और ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का एक्सटेंशन चाहते हैं पूरे कंट्री में। और ये जो प्रोग्राम ऑफ एक्सटेंडेड बॉयकॉट है ये अडॉप्ट कर होना चाहिए एज ए गोल ऑफ कांग्रेस टू कन्वर्ट स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो चल रहा है इसको कन्वर्ट कर दो एक फुल फ्लेज पॉलिटिकल मास स्ट्रगल में, ताकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अटेन किया जा सके। लेकिन जो मॉडरेट्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे उस वक्त कांग्रेस को, वो नहीं चाहते थे कि इतना दूर तक अभी पहुंच जाए हम लोग, वो चाहते थे इस ऐसा फैले नहीं। इसी बीच क्या होता है कि जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में दरार पड़ रहा था एजेंडा को लेकर स्वदेशी एंड बॉयकॉट का, 1906 में प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आने वाले थे। तो प्रिंस ऑफ वेल्स वाज सपोज्ड टू विजिट इंडिया और ब्रिटिश चाहते थे कि कांग्रेस उनका वेलकम करे, बट द एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अपोज करते हैं इस चीज का। लेकिन मॉडरेट्स क्या करते हैं, छुपे छाप एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं इन एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। और बाद में जब एक्सट्रीमिस्ट को ये पता चलता है कि ये लोग प्रिंस ऑफ वेल्स को वेलकम करने चले जाते हैं मॉडरेट्स, तो इन दोनों के बीच में जो खट्टापन था रिश्ते में वो और बढ़ जाता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। इसी बीच जब स्वदेशी एंड बॉयकॉट चल रहा था तो तरह तरह के फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल चल रहे थे, किस तरह ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के अंदर, ये कौन कौन सा प्रोपेगेंडा रच रहे थे। तो पहला तो था बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो ये जो बॉयकॉट था फॉरेन गुड्स का, ये इंक्लूडिंग बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, लोगों के घर से फॉरेन क्लोथ्स निकाला जा रहा था और उसे रास्ते पे जलाया जा रहा था। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन मेड सॉल्ट और शुगर, जो फॉरेन से आया हुआ होता है उसे भी बॉयकॉट लोग करते हैं। जो प्रिस्ट थे, जो पंडित थे, ये लोग क्या करते हैं, कोई भी मैरिज में इन्वॉल्व होने से मना कर देते हैं जहाँ पे फॉरेन गुड्स का लेन देन होता था। जो वॉशरमैन है वो बोलते थे कि हम विदेशी कपड़ा नहीं धोएंगे। तो इस टाइप का बॉयकॉट चल रहा था। पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस, तो पब्लिक मीटिंग और प्रोसेशंस जो था तुम्हारा, दैट इमर्ज्ड एज मेजर मेथड ऑफ मास मोबिलाइजेशन। मासेस आते थे साथ में और मीटिंग करते थे, तो इस तरह क्या होता था, ज्यादा लोग तक जानकारी पहुंचता था स्वदेशी एंड बॉयकॉट का, और एक फॉर्म ऑफ पॉपुलर एक्सप्रेशन भी बन गया था मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस। कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स एंड समितीज, तो समितीज बनाया गया था, ग्रुप्स बनाया गया था, जैसे कि स्वदेश बांधव समिति बना था बाय अश्विनी कुमार दत्त इन बरिसाल। सो ये जो था स्वदेश बांधव समिति और ये सब कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर था, ये एक मास मोबिलाइजेशन का मीन्स बन जाता है। फिर उसी तरह तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है, वहां वी ओ चिदम्बरम पिल्लई सुब्रमण्य शिवा बना और अदर कुछ मिल के बनाते हैं स्वदेश संगम और इंस्पायर करते हैं मासेस को फॉर स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। ये जो समितीज था दैट क्रिएटेड पॉलिटिकल कॉन्सियसनेस अमंग द मासेस थ्रू मैजिक लैंटर्न लेक्चर्स। मैजिक लैंटर्न लेक्चर्स क्या है कि रात को जो है जब लोग काम वाम से आ जाते थे तो किसी एक जगह पे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मासेस आता था, ये समिति वाले इकट्ठा होते थे और वहां भाषण देते थे। लोग अपने घर से लालटेन लेके निकलते थे, मतलब लाखों लाखों के संख्या में। तो ये सब क्या होता था, और ये जो लेक्चर्स होता था ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता था लोगों पे, तो इसीलिए इसे मैजिक लालटेन लेक्चर कहा गया है। तो लोग वहां पे स्वदेशी सॉन्ग्स वगैरह गाते थे। फिर कुछ ये जो समिति थी स्वदेश बांधव समिति, ये लोग क्या करते थे कि अगर दो लोग के बीच में कोई लड़ाई हो रहा है तो उन दोनों के बीच में समझौता यानी आर्बिट्रेशन कोर्ट्स ये लोग एस्टैब्लिश किए थे, ताकि लोग ब्रिटिश कोर्ट्स ना जाए न्याय के लिए, और फिर सोशल वर्क भी किया करते थे। यूज ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल्स एंड मेलाज, तो यहाँ पे आइडिया ये था कि मेला ऑर्गेनाइज करना, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेला और फेस्टिवल में आए और वहां पे पॉलिटिकल मैसेज को स्प्रेड किया जा सके बाय द यूज ऑफ फेस्टिवल्स। तो तिलक यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाते हैं गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल, जो कि एक मीडियम ऑफ स्वदेशी प्रोपागेंडा हो जाता है। गणपति फेस्टिवल यहाँ पे मनाते हैं, शिवाजी फेस्टिवल इसलिए क्योंकि उनका था हिंद स्वराज का एस्टेब्लिशमेंट का, इसलिए वो लोग शिवाजी फेस्टिवल भी बनाना शुरू करते हैं। और बंगाल में ट्रेडिशनल फोक थिएटर सब जो था वो सबको भी वापस से अराइज किया जाता है, ताकि मासेस तक पहुंचा जा सके। फिर एम्फेसिस गिवन ऑन सेल्फ रिलायंस, रविंद्रनाथ टैगोर एम्फेसाइज करते हैं आत्मशक्ति पे। इसका मतलब ये होता है कि रीजेनरेशन, वापस पुनर्जन्म की नेशनल डिग्निटी हो, हमारा ऑनर हो, कॉन्फिडेंस हो, सोशल और इकोनॉमिक रीजेनरेशन हो भारत का। इन प्रैक्टिकल इसका मतलब ये था कि भारत के सोसाइटी में जो भी एविल्स थे उसको हटा के सोशल रिफॉर्म करना, कैंपेन्स अगेंस्ट जो कास्ट के प्रति, किसी पर्टिकुलर कास्ट के प्रति ऑपरेशन चल रहा है,
उसको दबाया जा रहा है, उसको खत्म करना, जो चाइल्ड मैरिज था, डाउरी सिस्टम था, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल था, ये सब सोशल रिफॉर्म करना, आत्मशक्ति बनाना, आत्मनिर्भर होना आज के दिन में। सो प्रोग्राम ऑफ नेशनल एजुकेशन, सो बंगाल नेशनल कॉलेज को बनाया जाता है बाय अरविंदो घोष एज इट्स प्रिंसिपल ऑन द लाइन्स ऑफ टैगोर शांतिनिकेतन जैसे था, उसी तरह बंगाल नेशनल कॉलेज भी बनाया जाता है। अगस्त 15, 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को सेटअप किया जाता है, जो कि आज जैसे एनसीईआरटी है, उसी तरह यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप होता है टू ऑर्गेनाइज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन अंडर नेशनल कंट्रोल। नेशनल कंट्रोल के अंदर एक एजुकेशन सिस्टम हो उसके लिए। सो एजुकेशन यहाँ पे जो इम्पार्ट होगा दैट विल बी इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। एक बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी सेटअप होता है ताकि टेक्निकल एजुकेशन भी दिया जा सके स्टूडेंट्स को। फंड्स कुछ पैसे भी कलेक्ट होते हैं ताकि जो अच्छे बच्चे हैं उनको जापान भेजा जा सके ताकि टेक्नोलॉजी में वो एडवांस लर्निंग कर सके, बिकॉज दे वर क्वाइट इंस्पायर्ड बाय जापान्स डेवलपमेंट। स्वदेशी और इंडिजिनियस एंटरप्राइजेस, इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वदेशी फैक्ट्रीज एंड सर्विसेज, काफी एस्टैब्लिश होता है। एक स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी एस्टैब्लिश किया जाता है, एक शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज था जिसे वी ओ चिदम्बरम पिल्लई तुतीकुरिन में बनाते हैं। सो ये जो नेविगेशन कंपनी बना स्वदेशी स्टीम, ये एक चैलेंज था तुम्हारा ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनी, और काफी कॉम्पीट भी अच्छा कर रहा था। फिर आता है कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, देखते हैं इस मूवमेंट का कल्चरली क्या इम्पैक्ट पड़ता है भारत पे। सो अंडर द स्फीयर ऑफ द स्वदेशी स्पिरिट्स, रेलम ऑफ इंडियन कल्चर के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है इस मूवमेंट का। जैसे कि लिटरेचर के फील्ड में बहुत सारे स्कॉलर्स जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, वो लिखे थे उमार सुमार बंगला, द्विजेंद्र लाल रे थे वो लिखे थे एक लिटरेचर ठाकुर मार झूली, सुब्रमण्य भरत थे वो लिखे थे सुदेश गीतम एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर उस वक्त। वही फील्ड ऑफ पेंटिंग में एक ब्रिटिश पेंटर ईवी हैवेल थे, वो चाहते थे कि इंडियन पेंटिंग्स को वापस से रिवाइव किया जाए। वो एक मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स मद्रास में खड़ा किए थे, उसके बाद वो बंगाल आ जाते हैं और बंगाल में उनके एक डिसाइपल होते हैं जिनका नाम होता है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स टू ट्रेन एंड एजुकेट इंडियंस इन आर्ट ऑफ पेंटिंग में ट्रेनिंग देने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, कॉम्बाइन कर देते हैं अजंता मुगल और राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग था उसको कॉम्बाइन करके एक अपना स्टाइल क्रिएट कर देते हैं। ये जो स्टाइल क्रिएट होता था ये काफी अच्छा था, देन द विक्टोरियन पेंटिंग्स के ऊपर डोमिनेट करता था। क्यों? क्योंकि नेचुरलिज्म का भाव था तुम्हारा इस पेंटिंग में बाय ISOA। कुछ इनके फेमस पेंटिंग्स हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के, जैसे कि क्राउन ऑफ शाहजहां, लॉर्ड बुद्धा एंड सुजाता, टीयर ड्रॉपलेट्स ऑन द पेटल्स ऑफ लोटस, भारत माता पेंटिंग जो देखते हो कि भारत बनाया हुआ है आगे में और आगे में उसके आगे एक माता खड़ी है झंडा लेकर, वैसा भारत माता पेंटिंग भी बाय अवनींद्रनाथ टैगोर ही था। अवनींद्रनाथ टैगोर के एक डिसाइपल थे, स्टूडेंट थे नंदलाल बोस, जो कि स्टूडेंट ही थे ISOA के, और उनके भी कुछ फेमस पेंटिंग्स है जैसे कि उमा की तपस्या, लॉर्ड बुद्धा एंड इंजर्ड गोट, कृष्ण एंड अर्जुन जो देते हैं तुम्हारा भगवत गीता वाला फोटो है कि कृष्ण बहुत बड़े अवतार में और अर्जुन सुन रहे हैं। फिर पेंटिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज का, जो कि दर्शाता है हमारा वैदिक कल्चर ऑफ इंडिया, तो रिमेंबर कि फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बुक कवर है वो वैदिक कल्चर ऑफ इंडिया को दर्शाता है, दैट वाज आल्सो पेंटेड बाय नंदलाल बोस। अब आता है इन द फील्ड ऑफ साइंस, तो साइंस के फील्ड में जगदीश चंद्र बोस एक फिजिसिस्ट और बोटेनिस्ट थे, ये कंपाइल करते हैं दो बुक को और अपना एक नया थ्योरी देते हैं, दैट इज प्लांट रिस्पॉन्स एंड कंपैरेटिव एल्कोसाइकोलॉजी। इस बुक को लिखने में असिस्ट करती है सिस्टर निवेदिता। फिर वहीं पे प्रफुल्ल चंद्र रे होते हैं, जो कि एक फैकल्टी होते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता के, ये एक रिसर्च बुक लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। सो ये और भी कंट्रीब्यूशन करते हैं जैसे फील्ड ऑफ आयुर्वेदा में, और इनका जो भी रिसर्च वर्क रहता है, बुक्स रहता है, ओरिजिनल रिसर्च रहता है, दैट वॉज ऑल्सो प्रेज्ड बाय द वर्ल्ड। सो साइंस के फील्ड में ये भी ये लोग डेवलपमेंट इस वक्त करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे मुस्लिम्स का स्टैंड क्या था मूवमेंट में। तो सम ऑफ द मुस्लिम्स लाइक मौलाना आजाद पार्टिसिपेटेड किए थे इस मूवमेंट में, लेकिन मोस्ट ऑफ द अपर और मिडिल क्लास मुस्लिम्स जो है वो अपने आप को दूर रखे थे इस मूवमेंट से, या फिर वो सपोर्ट कर रहे थे पार्टीशन को लेड बाय नवाब सलीमुल्लाह। ये जो पार्टीशन का सपोर्ट था दैट वॉज लेड बाय नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढक्का, क्योंकि
बोले ही थे ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की, ढाका को कैपिटल बनाएंगे और वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी होगा, मुस्लिम का गवर्नमेंट होगा, इसलिए तुम्हारा पावर के नशा में चूर थे नवाब सलीम उल्ला और सपोर्ट कर रहे थे पार्टीशन को, ब्रिटिश का असली चेहरा देख ही नहीं पा रहे थे ये लोग। सो टू फर्दर गवर्नमेंट इंटरेस्ट ये लोग क्या करते हैं, एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी स्टैब्लिश हो जाता है, 30 दिसंबर 1905 को स्टैब्लिश होता है मुस्लिम लीग, ताकि कांग्रेस के खिलाफ इसे खड़ा किया जा सके और एंटी कांग्रेस फ्रंट बना दिया जाता है मुस्लिम लीग को। जो नेचर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट था, जो प्रोपागेंडा वगैरह रचा जा रहा था स्वदेशी मूवमेंट के अंदर, दैट वाज विथ लीडर्स इवोकिंग हिंदू फेस्टिवल। सब तिलक जैसे लीडर थे, वो बोलते थे गंगा में ना हो, शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल, तो ये सब जो क्या था, ये सब एक हिंदू फेस्टिवल है, मुस्लिम के लिए कुछ ही लोग थ्रो किए ही नहीं कि मुस्लिम को अट्रैक्ट किया जा सके इस मूवमेंट में, जिसके कारण क्या हो गया, धीरे धीरे सारे मुस्लिम जो है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं, इस मूवमेंट से दूर हट जाते हैं। ऑल्सो द मूवमेंट वॉज नॉट एबल टू गार्नर सपोर्ट ऑफ मुस्लिम पीजेंट्री, मुस्लिम के जो पीजेंट्री लोग थे, नीचे वर्ग वाले लोग थे, उनको भी नहीं अट्रैक्ट कर पाते, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगा रहे थे। वो बोलते थे देखो इन नेशनलिस्ट को, इन कांग्रेसियों को देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं, केवल हिंदू को बढ़ावा दे रहे हैं अपने प्रोपेगेंडा से, गणपति फेस्टिवल मना रहे हैं, गंगा में नहाने बोल रहे हैं, तो ये सब हिंदू कल्चर है, तुम लोग को ये नहीं चाहते हैं मुस्लिम्स को कि वो पार्टिसिपेट करें नेशनल मूवमेंट में, इस तरह डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाया जा रहा था। और गलती था यहाँ पे तिलक जैसे लोगों का भी, जो यहाँ पे केवल हिंदू को प्रमोट किया कर रहे थे, हिंदू वे ऑफ फाइटिंग फॉर फ्रीडम स्ट्रगल प्रमोट कर रहे थे। इसी बीच बहुत सारा लेबर अनरेस्ट और ट्रेड यूनियन भी बनता है, जैसे कि सितंबर 1905 में करीब करीब 250 बंगाली क्लर्क ऑफ बर्न कंपनी है हावड़ा में, वहां से वॉकआउट कर जाते हैं इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट डेरोगेटरी वर्क रेगुलेशन। वर्क रेगुलेशन जो वहां का था बहुत खराब था, जिसके प्रोटेस्ट में ये लोग वॉकआउट करते हैं 1905। जुलाई 1906 में स्ट्राइक हो जाता है वर्कर्स का ईस्ट इंडियन रेलवे हावड़ा डिवीजन वाला में, जिसके कारण एक क्या होता है, फॉर्मेशन होता है रेलवे यूनियन का, फाइनली फॉर्म हो जाता है। 1906-1908 के बीच में बहुत सारा स्ट्राइक देखने को मिला जूट मिल्स में, स्ट्राइक्स देखने को मिलता है फॉरेन ओन कॉटन मिल्स इन तुतीकोरिन, जहां पे लीड करते हैं सुब्रमण्यम शिवा एंड चिदम्बरम पिल्ले लीड करते हैं इस चीज को। वहीं स्ट्राइक बाय रेलवे वर्कर्स भी होता है तुम्हारा पंजाब वगैरह इलाका में, जो कि लाला लाजपत राय और अजीत सिंह लीड करते हैं। हाउएवर बाय सितंबर 1908 ये जो लेबर अनरेस्ट था, ये क्या होता है, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, बहुत लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, केसेस होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, दब जाता है। और इस तरह स्वदेशी मूवमेंट जो हमें देखने को मिलता है, ओवरऑल ये क्या करता है, बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स दे देता है फर्दर, जो कि गांधी जी यूज करते हैं नेशनल मूवमेंट को लड़ने में। सो यहाँ पे ये डिस्प्ले किया जाता है कि जितना भी पॉलिटिकल स्ट्रीम है नेशनल मूवमेंट का, वो ओपन हो चुका है, ताकि फ्यूचर में गांधी जी थ्रो कर सके अपना टूल्स एंड टेक्निक्स, अपना वे ऑफ फाइटिंग नेशनल फ्रीडम थ्रू दिस प्लेटफॉर्म्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है, तिलक और बाकी लोग मिलके, एक्सट्रीमिस्ट मिलके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हैं गांधी जी के लिए, और सारा हथियार उनको सौंप देते हैं ताकि फ्यूचर में लड़ा जा सके। इसीलिए तिलक को यहाँ पे कहा भी जाता है प्रीकर्सर ऑफ गांधी। तो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे, कल हम लोग देखेंगे सूरत स्प्लिट। तो कोई डाउट हो यू कैन कमेंट बिलो, अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।